हेलो एवरीवन, आई एम रोहित श्रीवास्तव एंड इस वक्त हम हैं बैंगलोर में। बैंगलोर में सुबह का वक्त है और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने हम जा रहे हैं विद्यार्थी भवन, जो कि प्री इंडिपेंडेंस दिनों का एक पुराना आउटलेट है। और कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट इन बैंगलोर इज अवेलेबल एट विद्यार्थी भवन। सो फर्स्ट स्टॉप है विद्यार्थी भवन। बस टाइम बहुत कम है आज, बट उस समय मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट दो जगह कवर करने का। एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप विद्यार्थी भवन। लेट्स हेड आउट टू विद्यार्थी भवन। दिस वन बिहाइंड मी इज विद्यार्थी भवन। पॉपुलर है, प्री इंडिपेंडेंस दिनों से चल रही है। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत फेमस है। भीड़ आप देख ही सकते हैं पीछे, बहुत भीड़ है। अंदर भी उतने लोग देख रहे हैं, ज़्यादा ही लोग देख रहे हैं। वेट करना पड़ेगा, अराउंड 15-20 मिनट वेट करने के बाद आपको जगह मिलती है। एंड यहाँ पे फेमस है यहाँ का वड़ा, डोसा काफ़ी फेमस है और इडली भी फेमस है। सो चल के देखते हैं हम लोग क्या क्या ट्राई कर सकते हैं अंदर, एंड लेट्स गेट इनसाइड। वी आर एट विद्यार्थी भवन। सुबह पैक, जैम पैक, एंड 7:30 बजे के वक्त हम यहाँ पे हैं एंड पूरी तरह से ये जगह फुल है। बड़ी मुश्किल से हम दोनों को एक जगह मिल गया। एंड फर्स्ट कम हमें आया है वड़ा और सांभर, वड़ा डिप इन सांभर। ये जगह 1943 में ओपन हुई थी प्री इंडिपेंडेंस, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है बैंगलोर में। अगर आप बैंगलोर आ रहे हो तो ये जगह बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट बाइट इनटू दिस हॉट पाइपिंग वड़ा। वेरी डिस्टिंक्टिव टेस्ट, काफ़ी डिस्टिंक्टिव टेस्ट है। सांभर जो है इट्स प्रीटी मच यूनिक, जो मैं पहले कभी सिरगिर सांभर नहीं टेस्ट किया हूँ। ना तीखापन है ना खट्टापन है, बट मॉडरेट अमाउंट में सब मसाले हैं। कह सकते हैं कि सांभर में बहुत सटल टेस्ट है। काफ़ी छोटी सी प्लेट है, बहुत ही क्यूट सी प्लेट बोल सकते हैं आप इसको। थोड़ी सी सांभर, एक वड़ा एंड बेहतरीन एक्सपीरियंस। दिस इज सर्टनली ए गुड ट्राई। अगर विद्यार्थी भवन आ रहे हो तो ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट अप वी आर गोना ट्राई द डोसा। दिस इज आवर डोसा, क्रिस्पी डोसा। डोसे के अंदर है आलू का फिल और ये मसाला है इसका, और चटनी, काफ़ी सारी चटनी, नारियल की चटनी है। मेरे ख्याल से घी में बना हुआ ये डोसा, बहुत ही क्रंची डोसा। एंड मसाले के साथ ट्राई कर रहा हूँ।
ही उम्दा, बहुत ही उम्दा डोसा। यहाँ पे आप ये देखेंगे डोसा काफ़ी थिक है। ये आ गई हमारी कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी। फिल्टर कॉफ़ी का मज़ा ही कुछ अलग होता है और बहुत अरसा हो गया फिल्टर कॉफ़ी पिए। जब मैं तमिलनाडु में रहता था तो मौका मिल जाता था पीने का, बट अब भुवनेश्वर में तो इतना ऑप्शन नहीं है। इसको करने से जो ऊपर में फ्रॉथ आ जाता है ना वो है, उसको चार चांद लगाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हो तरोताज़ा हो जाओगे, आंखें खुल जाएंगी आपकी सुबह सुबह। ऐसे कॉफ़ी मिल जाए तो दिन एकदम सॉर्टेड है आपका। अभी तक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस विद्यार्थी भवन में। हाय गाइस, एंड अभी अपन लोग आए हैं ताज़ा तिंदी। ताज़ा तिंदी इज़ अ सुपर फेमस आउटलेट इन बैंगलोर। यहाँ का ब्रेकफास्ट इज़ अ मस्ट ट्राई। हमने ऑर्डर कर दिया है, दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट, वन इडली, वन वड़ा, केसरी बात, बादाम मिल्क एंड हॉर्लिक्स। कॉफ़ी हो चुका, डोसा हो चुका एंड वड़ा हो चुका था, तो मैंने सोचा कुछ चलो नया ट्राई करते हैं। केसरी बात यहाँ का काफ़ी फेमस है, चाओ चाओ बात काफ़ी फेमस है, एंड दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड बी ट्राइंग। ताज़ा तिंदी में हैं इस वक्त हम लोग, एंड इडली एंड वड़ा ट्राई कर रहे हैं। द ग्रीन चटनी लुक्स सेंसेशनल, काफ़ी ऑसम है दिखने में तो। काफ़ी सॉफ्ट इडली, चटनी में मिर्चे, करी पत्ता और मस्टर्ड का छौंक है। बहुत ही फैबुलस इडली है। आप ट्राई कर रहे हैं वड़ा, जो कि काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं। एक्चुअली वड़े को ना हाथ से खाओ तो सबसे अच्छा लगता है, कैमरे के लिए खाना पड़ता है। इसमें काफ़ी क्रंची, क्रिस्प ऑन द आउटसाइड है एंड चटनी के साथ इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। दाल वड़ा, वन ऑफ द बेस्ट वड़ा आई हैड इन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अच्छा वड़ा। इडली, दिस कंप्लीट्स योर ब्रेकफास्ट। सर, नेक्स्ट अब हम ट्राई करेंगे केसरी बात, जो यहाँ काफ़ी फेमस है। मैंने ट्राई नहीं किया पहले, पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, सो लेट्स सी कि कैसा है। वैसे तो ये हलवे जैसा दिख रहा है। एक्सेलेंट, एंड इसमें लौंग का काफ़ी तेज एक फ्लेवर है। इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं
लॉन्ग है इसमें। सो इसका काफ़ी तेज एक फ्लेवर आ रहा है इसमें, एंड जिसकी वजह से ये काफ़ी उमदा लग रहा है टेस्ट में। ताज़ा टिंडी, अगर आप इधर आ रहे हो बैंगलोर में, मैं लोकेशन ड्रॉप कर दूंगा इसका। अगर आप बैंगलोर में हैं, लुकिंग आउट फॉर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, डू गिव दिस प्लेस अ ट्राई, इट्स अ मस्ट ट्राई। पोर्शन साइज़ मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा, एक आदमी के लिए काफ़ी है। प्राइसिंग बहुत ही लाजवाब, इडली 10 रुपये, वड़ा 10 रुपये, केसर बात 15 रुपये, बादाम मिल्क 10 रुपये। ऑल इन ऑल मेरा सारा कुछ 75 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट हो गया, विच बाई बैंगलोर स्टैंडर्ड्स इज़ प्रीटी गुड। एंड विद्यार्थी भवन भी काफ़ी प्राइसिंग के मामले में अच्छा था। एंड विद दिस वी कंक्लूड द ब्रेकफास्ट वॉक इन बैंगलोर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करें वो कीजिए, बट रिकमेंडेशन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड टिल देन बाय बाय एंड कीप एक्सप्लोरिंग।